ये जो है एक पावर सप्लाई कार्ड है, ये 48 वोल्ट इनपुट और 36 वोल्ट आउटपुट है। लेकिन ये इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये आईसी नहीं मिल रही, ख़राब है। एसएमडी आईसी है लेकिन ये मिल नहीं रही, तो इसको कैसे रिपेयर करें? और ये मॉसफेट भी ख़राब है, कभी कभी होता है कि वो रिपेयर नहीं हो पाता है। तो इसको कैसे बायपास करके मॉसफेट और आईसी को हम एक मॉड्यूल लगाएंगे, CA888, CA888 मॉड्यूल लगा के ये मॉसफेट भी हटा देंगे और ये आईसी भी हटा देंगे। मॉड्यूल इस टाइप का रहेगा, ये मॉड्यूल है, इसमें 5 वायर रहेंगे। इसको नॉर्मली 5 वायर मॉड्यूल भी बोलते हैं, पावर सप्लाई के लिए यूज़ होता है। मार्केट में अगर CA888 से नहीं मिले तो उनको बोल दीजिए पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए 5 वायर मॉड्यूल चाहिए, तो वो दे देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। इसमें 5 वायर रहेंगे इस टाइप से, कलर डिफरेंट हो सकते हैं, ज़्यादातर तो सेम कलर आते हैं। ये ब्लू वाले की जगह ग्रीन लगा होता है, यहाँ पे ग्रीन रहेगा। तो ये वायर देख रहे हैं आप, उसमें से जो एक एक ब्लू ब्लू या ग्रीन रहेगा, यहाँ ब्लू और एक ब्लैक, ये जो है फिल्टर पावर सप्लाई, जो हम पावर सप्लाई देंगे यहाँ पे। तो इसके केस में डायरेक्ट 48 वोल्ट आता है, अगर दूसरी पावर सप्लाई है तो वहाँ पे पहले एसी से डीसी बनेगा और जो फिल्टर लगा रहेगा उस पे ग्राउंड और ये पॉजिटिव, ये दोनों कनेक्ट करना है। ये पावर हो गया इसका। उसके बाद में जो येलो वायर है, येलो वायर जो है वो मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्ट रहेगा, इसको ड्रेन से कनेक्ट करना है। उसके बाद में जो वाइट वायर है ये ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 5-4 से कनेक्ट रहेगा, करना है पिन नंबर 4 से इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक वायर बच जाता है हमारे पास, रेड वाला। ये रेड वाला वायर जो है ये ट्रांसफार्मर से जो एक सिग्नल आएगा, ये आईसी ऑपरेट के लिए आता है। ये रहेगा आपका, ये जो डायोड लगा है ट्रांसफार्मर से एक ड्राइव आउटपुट आता है, वो करीब 12 वोल्ट से 18 वोल्ट तक आता है। इसके आउटपुट में एक कैपेसिटर लगा रहेगा डायोड के साथ में, ये कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसे ही। इसमें कैपेसिटर डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, तो ये एक बार ऑन होने के बाद उस वहाँ से पावर सप्लाई लेते रहेगा 12 वोल्ट। चलो इसको कनेक्ट करके देखते हैं, कनेक्ट करके एक बार चालू करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें से आईसी और मॉसफेट को रिमूव कर देंगे। अभी हमारी पीसीबी जो है वो क्लीन हो गई है, अभी हम इसमें एक फ्यूज़ लगा देते हैं, यहाँ एक फ्यूज़ रहेगा, तो इसमें ये फ्यूज़ चल जाएगा। अभी ये फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया, अब हम जो है मॉड्यूल को कनेक्ट कर देंगे। मॉड्यूल में जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम ब्लैक वाले वायर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो मॉड्यूल है, ये जो पावर सप्लाई है, ये 48 वोल्ट टू 36 वोल्ट आउटपुट होता है। 48 वोल्ट तो डायरेक्ट हम यहाँ से दे देंगे, तो यहाँ से हमारा ये फिल्टर पे आ जाता है, तो फिल्टर के नेगेटिव पे हम ब्लैक वाला लगा देंगे।
जो ब्लू वाला है इसको हम फिल्टर के पॉजिटिव से लगा देंगे, और जो हमारा येलो वाला वायर है वो मॉस्फेट के ड्रेन से कनेक्ट कर देंगे। अभी हमने येलो वाला वायर भी ड्रेन से कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारे पास रेड वाला वायर है ये डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते और ये जो वाइट वाला है ये ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 से कनेक्ट करना है। ये हमारी ऑप्टो कपलर है, ये पिन नंबर 1 है, 2, 3, 4। यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इसको। अभी हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब जो है हम इनपुट देंगे और फिर चेक करेंगे आउटपुट कितना आ रहा है। एक बार कनेक्शन में चेक कर लेंगे, जो ब्लैक वाला है वो ग्राउंड से कनेक्ट है और ब्लू वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, और हमारा जो रेड वाला है वो ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट होता है उसमें एक डायोड लगा रहता है उससे कनेक्टेड है, और जो येलो वाला है वो ड्रेन से कनेक्टेड है, और वाइट वाला जो है ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 से कनेक्टेड है। अभी हम इसमें पावर दे देंगे। सबसे पहले हम इनपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। अभी इनपुट जो है 50 वोल्ट है और हम इनपुट को इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। अभी हमने कनेक्ट कर दिया, अभी आउटपुट चेक करते हैं कितना आ रहा है। आउटपुट हमारा करीब 55 वोल्ट आ रहा है। इसमें जो लोड लगाएंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। ये एलईडी ड्राइव है, अगर पावर सप्लाई होती तो जो आउटपुट चाहिए वही आता। अभी इसकी एलईडी ये है, हम इसको कनेक्ट कर देंगे। इसका पॉजिटिव ये वाला आएगा। अभी इनपुट दे देते हैं। अभी ये इनपुट देने पे वर्क कर रहा है। अभी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे एक बार। इनपुट 49 है, आउटपुट 34.5 वोल्ट। तो हमारा पावर सप्लाई काम करने लगा है। इस तरीके से हमें मॉड्यूल का यूज़ करके कोई सी भी पावर सप्लाई को हम रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट मॉस्फेट हटाना है, आईसी हटाना है और पांचों वायर को कनेक्ट कर देना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।